दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आप अच्छे से जानते और समझते ही होंगे। मैं उसी धंधे की बात कर रहा हूं जिसमें आप जुड़ो और आप अपने नीचे 3 लोगों को जुड़ो, तब आपको कुछ कमीशन मिलती है। इस कमीशन मिलने के पीछे जब आप कई चरणों से गुजरते हैं तो आपको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि आप रातों रात कब करोड़पति बन जाओगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप घुसोगे तो सबसे पहले आपको सेमिनार अटेंड करने को कहा जाएगा। ये मात्र एक ऐसा धंधा है जिसमें कम समय में आदमी ज्यादा पैसे कमाने की लालसा से इस धंधे में उतर तो पड़ता है, लेकिन फिर बाद में उसका बहुत ही बुरा असर होता है और ना वो करोड़पति बन पाता है और ना ही अपनी जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी को सही तरीके से जी पाता है। पर पहले के नेटवर्क मार्केटिंग में और अब के नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे अंतर देखने को आपको मिल जाएंगे। ये बात वो लोग बखूबी समझते होंगे जो या तो नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार में गए होंगे या तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों के संपर्क में आए होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा एक बार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो, सभी प्लेटफॉर्मों पर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। और सुर्खियां बटोरने के पीछे जो कहानी है वही कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को दबा लेना ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पर पहुंचे। दोस्तों दरअसल ये कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। भारत की राजधानी दिल्ली में दो धुरंधर रहते हैं। इन दोनों दिग्गजों का सोशल मीडिया के यूट्यूब पर चैनल है। इसमें से पहले दिग्गज के चैनल पर 28.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहीं दूसरे दिग्गज के चैनल पर 21 मिलियन। मैं बात कर रहा हूं संदीप महेश्वरी की। अगर संदीप महेश्वरी की बात करें तो उनके खुद के चैनल पर 28.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहीं विवेक बिंद्रा के चैनल पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दोनों की ही अच्छी फैन फॉलोइंग है। दोनों किसी भी सेमिनार में जाने के लिए अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 2023 को। 11 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालते हैं जिस वीडियो का टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज, बड़े घोटाले का पर्दाफाश। हालांकि संदीप महेश्वरी इस वीडियो में किसी कंपनी या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, पर वीडियो जैसे ही स्टार्ट होती है कुछ देर बाद इस वीडियो में संदीप महेश्वरी एक लड़के से बात कर रहे थे। लड़के ने बताया कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उन्होंने एक कंपनी बनाई है और कंपनी के तहत मैंने उनके कंपनी में ज्वाइन किया और 50,000 रुपये मैंने अपने पिताजी से मांगकर बहुत मेहनत की कमाई उनको दे दी। और मैं जब कंपनी में आया तो मेरी ट्रेनिंग हुई। कुछ दिन के बाद जब कंपनी से मैंने कहा कि मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे वो 50,000 रुपया वापस दे दीजिए, तब उस कंपनी ने पैसे देने के लिए बहुत सारे बहाने बनाना शुरू कर दिए और मुझे मेरा ये पैसा वापस नहीं दिया। जब संदीप महेश्वरी ने 11 दिसंबर 2023 को ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी कि इस वीडियो में संदीप महेश्वरी द्वारा किसी कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जब ये वीडियो पब्लिक हुई और लोगों ने इसे इतने भारी पैमाने पर देखा तो काफी लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगाया कि इस वीडियो में जो बात हो रही है वो भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, जिनकी आप वीडियो देखते होंगे। बिंद्रा ने खुद इस वीडियो को देखा तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं से संदीप महेश्वरी का जो इशारा है उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस की तरफ है। तब विवेक बिंद्रा जी ने अपने किसी कर्मचारी को संदीप महेश्वरी से मिलने भेजा, लेकिन संदीप महेश्वरी ने उनके कर्मचारी से मिलने से मना कर दिया और उनके कर्मचारी ने विवेक बिंद्रा जी से बताया कि उन्होंने, यानी कि संदीप महेश्वरी ने, किसी से भी मिलने से मना कर दिया। मामला दो बड़े यूट्यूबरों का इसलिए मामले ने सोशल मीडिया पर देखते देखते तूल पकड़ लिया। इसी बीच विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी और संदीप महेश्वरी को सारा कुछ बताया कि मैंने कोई स्कैम नहीं किया है, ना ही मैंने कोई घोटाला किया है, इसके प्रमाण ये हैं। उसके अगले दिन ही संदीप महेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें संदीप महेश्वरी ने फैक्ट के साथ विवेक बिंद्रा की डॉक्टर की डिग्री को ही फर्जी बता दिया।
उन्होंने बाकायदा उस वीडियो में सिद्ध किया कि किस तरीके से विवेक बिंद्रा की डॉक्टर वाली जो उपाधि है वो फर्जी है। बाकायदा उन्होंने उस वीडियो में लिंक भी मेंशन किया कि आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि यानी कि भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं वो डॉक्टर लिखना ही फर्जी है। दोस्तों आप में से काफी लोगों को ये बातें पता होंगी कि मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल का मोनिटाइजेशन ऑन नहीं किए हैं, यानी कि वो अपने किसी भी वीडियो पर ऐड नहीं लगाते हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने खुद एक वीडियो में कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी इतनी अच्छी ऑडियंस ऐड के चक्कर में मेरे वीडियो को ना देखे, यानी मेरे वीडियो को उसे स्किप करना पड़े और उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाए। इसलिए संदीप माहेश्वरी अपने वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई ऐड नहीं लगाते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी के बिग स्कैम एक्सपोज वाली वीडियो के बाद पूरा सोशल मीडिया दो भागों में बट गया है, एक वो जो संदीप माहेश्वरी का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे वो जो विवेक बिंद्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी ने यहां तक कह दिया कि जिन जिन लोगों ने विवेक बिंद्रा के विश्वास पर यानी विवेक बिंद्रा की फेस वैल्यू को देखते हुए अपनी मेहनत की कमाई, अपने घर के लोगों की मेहनत की कमाई लगाई है, अगर विवेक बिंद्रा उन्हें समय से पैसे वापस नहीं करते हैं तो जो भी लीगल एक्शन होगा वो मेरे द्वारा लिया जाएगा और इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा। तो सोशल मीडिया के अगर यूट्यूब की बात करें तो आपको इस समय विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट में लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें विवेक बिंद्रा को स्कैमर बताया जा रहा है। टोटल जो स्कैम की धनराशि बताई जा रही है वो धनराशि छोटी मोटी नहीं है, बल्कि पूरा 500 करोड़ का स्कैम है। और ये पूरा मामला अगर जांच के बाद स्कैम की श्रेणी में आता है तो इस मामले में भी जो सबसे ज्यादा टारगेट होंगे वो मध्यम परिवार के लोग ही होंगे। एक बिंद्रा के ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो समय के गर्त में है। फिलहाल आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध कि आप ऐसी किसी जोड़ने जुड़ाने वाले संस्था से दूर रहें। फिलहाल आप संदीप माहेश्वरी के साथ हैं या विवेक बिंद्रा के साथ, और संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जाते जाते बस इतना ही, यार चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।